अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। तो चलिए शाम की छोटी सी भूख के लिए बनाते हैं बढ़िया सी क्विक सैंडविच मायो दाल के। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक बड़े से बाउल के अंदर 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दीजिए। 1/4 कप बारीक कटा हुआ या फिर घिसा हुआ ये डाल दीजिए। गाजर मैंने मोटा मोटा उसे ग्रेट किया, आप बारीक भी ग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद धो के फिर काटिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 5 टेबलस्पून मायोनीज। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, बट मैं 5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। चुटकी भर नमक डाल दीजिए, 3/4 छोटे चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच शक्कर। आप शक्कर नॉर्मली शक्कर भी डाल सकते हैं या फिर पाउडर करी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच विनेगर, आप चाहे तो विनेगर थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैं 1 छोटा चम्मच ही डाली हूँ। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए तो साइड पे रहने दीजिए, क्योंकि मैंने पाउडर शुगर नहीं डाली, मेरी बहुत बारीक शक्कर थी ना, तो 2-5 मिनट में वो पिघल जाएगी। मैंने थोड़ा सा बार बार चला रही हूँ उसको और उसे साइड पर रख देती हूँ, 2-5 मिनट में तो पिघल जाएगी। अब यहाँ पर इसे साइड पर रख देती हूँ मैं। और सबसे पहले आप अभी फ्रेश ब्रेड लीजिए अच्छे, और उसके जो कट्ठे हैं चारों कॉर्नर्स वो सारे निकाल दीजिए छुरी की मदद से इस तरीके से। अच्छा, तकरीबन मैंने 6 ब्रेड अभी लिए हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी के लिए है ना, तकरीबन आप समझिए कितने सैंडविच बनेंगे मालूम है, 4 से 5 बन जाएंगे ये वाले मिक्सचर, ये जो क्वांटिटी है इसमें। तो चलिए, ये से मैं साइड पर काट काट के रखते जा रही हूँ। ये जो कॉर्नर्स निकले हैं, आप चाहें तो कोई सब्जी बना लें, आप चाहें तो इसकी भुक्का बना लें जिसे हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं, या फिर मैं तो क्या करती हूँ बच्चों को, जो कब्बू होते हैं उनको मैं डाल देती हूँ। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर जो सारे ब्रेड हमने बनाकर रखे हैं, काट के रखे हैं कट्टे, उन सारों के ऊपर मक्खन लगा दीजिए अच्छे से लगाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा सारे ऊपर लगा दीजिए। अब मक्खन लगा हुआ ब्रेड लीजिए और उसके ऊपर ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा है वेजिटेबल और मायोनीज डाल के सारा, अब यहाँ पर पहले तो मिक्स कर लीजिए हाँ ये मिक्सचर को मायोनीज वाला, और इसे हमारे जो ब्रेड है इसके ऊपर इस तरीके से चारों ओर फैला दीजिए। अब आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन चारों ओर फैला दीजिए। दूसरा वाला ब्रेड इसके ऊपर लगा दीजिए, इसी तरीके से सारे ब्रेड्स बना लीजिए। अब जब आप सारे बना लें, सारे लगा लें, भर लें, तो उसके बाद आप इस तरीके से उसे पीस कर दें। अच्छा, मैं इस तरीके से इसे ऐसा पीस कर रही हूँ कि जैसे ट्रायंगुलर शेप्स होते हैं ना, जैसे भैया जो काटते हैं बाहर, जो सैंडविच वाले भैया टाइप्स, वैसे ही मैं काट रही हूँ इसे, और इसे सर्व कीजिए। तो ये बन गया हमारे शाम की छोटी सी भूख के लिए क्विक झटपट 5 मिनट में रेडी है हमारे सैंडविच मायो वाले। अच्छा, आप आपके गेस्ट के सामने भी ये बनाकर रख सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा और बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आएगा ये खाकर, तो ज़रूर बनाइएगा। 3/4 छोटे चम्मच के बजाय 1 छोटा चम्मच भी आप काली मिर्चों का पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 सैंडविचेस बनाए हैं ये वाले मिक्सचर से। आप चाहें तो अगर आप कम डालेंगे तो ज़्यादा बनेंगे आपके सैंडविच, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो कम बनेंगे। तो है ना मजेदार रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।